पहला भाई दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल वंडर ज्ञान में। तो अभी हम हैं सोनपुर में और मेरे पीछे बन रहा है यहाँ पे लिट्टी और चोखा। तो यहाँ का लिट्टी चोखा अभी हम टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है और कैसा इसका टेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला बाइट बहुत मस्त है, एकदम तीखा। बिहार में आए हो, लिट्टी चोखा ना खाए हो तो क्या खाए हो? धोखा। जब भी बिहार में आइए लिट्टी चोखा जरूर खाइए, बिहार का शान है लिट्टी चोखा। आप बिहार रहे तो एकदम लाइक ठोक दीजिए और कमेंट बताइए कि आप लिट्टी चोखा कभी खाए कि नहीं खाए। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। फाइनली दो लिट्टी खाने के बाद अभी हम लाइन में लगे हुए हैं और साथ में और लोग लाइन में लगे हुए हैं। बहुत लाइन में लग के यहाँ लिट्टी मिल रहा है, देख सकते हैं लिट्टी बनते रहता है और लोग लाइन में लग जाते हैं लेने के लिए। चलिए हम भी देखते हैं और कितना देर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि लिट्टी चोखा खाने के लिए तो हम कितना देर भी इंतजार कर सकते हैं। खाने के लिए यहाँ पे रुकना पड़ता है आधा घंटा। देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग इंतजार करके लाइन में लगे हैं कि कब जल्दी जल्दी बनेगा और जल्दी जल्दी खाने को मिलेगा। इंतजार में खड़े हैं। हमारी स्टाइल में लिट्टी चोखा खाते हुए दम। बताइएगा आप लोग लिट्टी और चोखा का, आप अपना टेस्ट जाएगा। मस्त आप टेस्ट बताइए लिट्टी और चोखा का। बाबू आप बताइएगा। मेरा स्वागत का पहला दिन हो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। प्रकाश चा आप बताइएगा। सुपर सुपर बिहार आओ लिट्टी चोखा ना तो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो गाइस देखिए, ये लोग लिट्टी और चोखा खा के इतने खुश है, ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। वो जो भैया जो बना रहे हैं उनको ये लोग थका दिए। तो अब वंडर ज्ञान तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अभी चार लिट्टी खाया और यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, 15 में 2 लिट्टी मिलता है। सिर्फ 2 लिट्टी नहीं खाते, और भी ज्यादा खाते हैं।
क्योंकि इतना टेस्टी रहता है ना कि मुंह में पानी आते जाता है और लोग खाते जाता है। तो बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी है और लिट्टी चोखा पसंद है आपको बिहार से हो तो लाइक करो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो लिट्टी चोखा के नाम पर। चलो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।